अरे मार्वल, इतना अच्छा एपिसोड, इतना अच्छा एपिसोड कोई बनाता है क्या भाई? कसम से दिल जीत लिया यार मार्वल ने भाई। आज के एपिसोड में सब कुछ था, दोस्ती, बॉन्डिंग, रिश्ता, प्यार, थोड़ी बहुत कॉमेडी और एक बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेक्स फाइट और हर बार की तरह थोड़े से नकली से VFX। और भाई आपका तो पता नहीं बट मुझको ये एपिसोड बहुत बहुत पसंद आया। और भाई शॉर्ट में कहानी मैं बताता हूँ। तो भाई लोग, जहाँ पे आर्थर ने मार्क को दो गोलियां मारी थी वहीं से ये एपिसोड शुरू होता है। और हम देखते हैं कि हैरो मार्क से उषापति ले लेता है और उसकी डेड बॉडी के ऊपर स्कैरब छोड़ देता है और फिर वो फाइनली अमित को फ्री कर देता है। और फिर स्कैरब की हेल्प से उसके पास पहुंच जाती है लाइला और रास्ते में टॉयलेट उसे कहती है कि अगर तुम्हें उसको रोकना है तो तुमको फ्री करना होगा खोंशु को और उससे मार्क भी जिंदा हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मार्क जो कि पैराडाइज पहुंच चुका है अपने भाई के लिए वो जन्नत छोड़ देता है। उसको टॉयलेट बार बार कहती है कि एक बार जाने पर तुम यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। और भाई फिर वो जाता है स्टीवन के पास और उसका हाथ थाम के सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि स्टीवन तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर आज तुम्हारा साथ मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर तुम हो। और इतना बोलते ही स्टीवन जिंदा हो जाता है। और फिर वो आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में जहां हम देखते हैं कि खोंशु और अमित के बीच में एक फाइट चल रही है। और भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे वो फाइट उतनी पसंद नहीं आई, मुझको कहीं कहीं पे VFX नकली से लग रहे थे। और फिर हम देखते हैं बाद में कि लैला को बचाने के लिए गॉडेस टॉयलेट उसको अपना अवतार बना लेती है। और भाई उस सीन में लैला ने जो एक्टिंग करी है वो सच में बेहतरीन थी। पहले वो अवतार बनती है, फिर लैला बन जाती है, फिर अवतार बनती है और फिर लैला बन जाती है। तो भाई इसे ही कहते हैं असली एक्टिंग। और फिर इस सब के बाद हम देखते हैं मार्वल की वंडर वुमन, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लैला बन जाती है टॉयलेट की अवतार। और भाई ये सूट डिट्टो वही है जो वंडर वुमन 1984 में वंडर वुमन ने पहना था भाई, मतलब उसको पर्सनली उसकी याद आ गई थी। और फिर हम देखते हैं एक बातचीत वाला सीन स्टीवन, मार्क और खोंशु के बीच में, जहां स्टीवन कहता है कि आर्थर को रोकने पे हमें क्या मिलेगा। फिर खोंशु कहता है कि मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। और बस फिर वो निकल पड़ते हैं आर्थर को और अमित को रोकने के लिए, जहां हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा ऑसम फाइट आर्थर हैरो वर्सेस मून नाइट, मिस्टर नाइट एंड लैला। और भाई यार सच में इस फाइट के बीच में जो कुछ वन टेक शॉट्स हैं भाई वो देखने में ना उसको बहुत मजा आया। और भाई सेंड वाली फाइट में ना लैला ने भी कमाल करा था और भाई सच में मुझको पूरी फील आई थी वंडर वुमन वाली। और भाई वैसे तो मून नाइट के हर एपिसोड में सिर्फ एक बेहतरीन सीन होता है, लेकिन भाई इस वाले एपिसोड में दो दो बेहतरीन सीन थे जिनमें से एक है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ सही सुना आपने, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है इसमें। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क को पीट कर आर्थर उसके अंदर से उसकी सारी पावर्स और उसकी सारी सोल निकाल रहा है ताकि अमित और पावरफुल बन सके। और भाई मार्क बस मरने वाला होता है कि तभी भाई तभी उसको दौरे से पड़ते हैं और वो देखता है कि सारे गुंडे मर चुके हैं और भाई हैरो भी लगभग मर चुका है। मार्क के हाथ में कुल्हाड़ी थी एक जिससे वो हैरो को मारने ही वाला था। और भाई यहाँ मैं पहचान गया था, यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जेक लॉकली ही है। मार्क कहता है कि स्टीवन ये तुमने किया, और वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया। लैला कहती है कि मां कि तुमने करा है, मार्क कहता है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा। तो भाई ये था इस वाले एपिसोड का पहला सबसे बेहतरीन सीन। और भाई फिर हम देखते हैं कि हैरो को कहीं पे लिटाकर मार्क और लैला एक मंत्र सा बोलते हैं अरेबिक लैंग्वेज में और अमित की पूरी सोल को हैरो के अंदर डाल देते हैं। और फिर खोंशु कहता है कि मार्क इसको मार दो, अगर तुमने इसको नहीं मारा तो ये फिर आएगी और फिर सबको मार देगी। और फिर मार्क समझ जाता है और उससे कहता है कि तुम भी इसी की तरह बात कर रहे हो तो तुम ही इसको मार दो, मैं इसको नहीं मारने वाला और हमारे बीच में डील हुई थी, अब तुम हमें फ्री कर दो। और फिर हम देखते हैं वही वाला सीन जहाँ पे असाइलम के अंदर आर्थर कुछ बात कर रहा होता है स्टीवन से, पर अब वहाँ पे सिर्फ स्टीवन ही नहीं है, अब वहाँ पे मार्क और स्टीवन दोनों हैं। पहले स्टीवन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अमित और खोंशु रियल में है, फिर आर्थर कहता है कि नहीं मुझको नहीं लगता। और फिर मार्क की पर्सनैलिटी कहती है कि मुझको लगता है कि वो है रियल में और हम दोनों के थॉट्स मैच नहीं करते, अब क्या करें। और फिर आर्थर कहता है कि हमें तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर की चप्पलों के नीचे कुछ खून के निशान है। और बस फिर स्टीवन कहता है कि डॉक्टर साहब जितना आपको लगता है कि आप होशियार हो आप उतने होशियार हो नहीं, अब हम जाते हैं, वी हैव टू सेव द वर्ल्ड। और बस फिर उनकी आंख खुलती है स्टीवन के रूम में और हर बार की तरह वो एक बार फिर बेड से गिर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। और भाई फिर आता है इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां हम देखते हैं कि आर्थर किसी मेंटल खाने में है। वहाँ पे हम देखते हैं कि आर्थर किसी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है और वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है नर्स से कि नर्स मैन को लेने आया हूँ। और फिर जब वो आदमी आर्थर को लेकर बाहर जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि जब वो आदमी अंदर आया था तब उसने किसी को मारा भी था। और भाई ये सीन देख के उसको याद आ गया फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का वो सीन जब एंट्री होती है जेसन सर की। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी बिठाता है आर्थर को एक गाड़ी के अंदर और उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है खोंशु। और फिर आर्थर कहता है कि तुम हमको नहीं मार सकते और फिर खोंशु कहता है कि मुझको तुम्हें मारना भी नहीं है। मार्क को लगता है कि मैं अपना अगला अवतार उसकी वाइफ को बनाऊंगा, बट ऐसा नहीं है, मार्क
बाप नहीं जानता कि वो किस ट्रबल में है, और फिर वो कहता है मिलो मेरे दोस्त से, और उसका दोस्त और कोई नहीं बल्कि जेक लॉकली होता है। और भाई अगर ये सीन थिएटर में होता तो भाई सीटियां तालियां सब कुछ बजते, और जेक कहता है कि आज तुम्हारे मरने का दिन है, और ये बात बोल के वार्थर को गोली मार देता है। तो भाई मैं जेक का वेट कर तो रहा था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो सीजन 2 में आएगा, और क्या पता कि सीजन 2 से पहले वो किसी फिल्म में आ जाए। भाई ये मार्वल है, यहाँ पे कुछ नहीं पता। तो भाई लोग अब बारी है मेरे रिव्यू की। तो भाई स्टार्टिंग में कहा था मैंने कि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा औसम है। भाई जहाँ पे एपिसोड 1 और 2 थे ना, उसको लगा ही नहीं था कि इसकी एंडिंग ऐसे होगी। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही औसम कर दिया। खोंशो रामेट की फाइट के अलावा मुझे इस एपिसोड में हर चीज बढ़िया लगी, चाहे वो BGM हो, डायलॉग्स हो, एक्शन सीन हो, कुछ भी हो। और भाई एक सीन तो रह गया जहाँ पे मैं बस रोने ही वाला था, बट मैंने रोक के रखा अपने आप को, और वो सीन था जब मार्क सब कुछ कन्फेस करता है स्टीवन के सामने। भाई वो सीन बहुत ही ज्यादा वेल मेड था। स्टीवन कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, तुम मेरे लिए वो जगह छोड़कर आ गए, और फिर मार्क कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत देर से हूँ, मैंने यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पीच भी दी है। और भाई फिर जब वो बाद में गले मिलते हैं ना, भाई वो देख के मजा आ गया। और भाई मैं एपिसोड 2 से इसी का वेट कर रहा था, उसको देखना था कि आखिर ये इनकी बॉन्डिंग को डेवलप कैसे करेंगे। और भाई कहना पड़ेगा मार्क को स्टीवन की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया लग रही है। पहले वो दोनों आपस में दुश्मन थे, पर अब वो दोनों भाई से बढ़कर हो गए हैं। और भाई जो इसकी एंड की वो फाइट थी ना भाई, वो तो मुझको बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो कुल मिला के मून नाइट का लास्ट एपिसोड मुझको बेहद पसंद आया। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो भाई ये बन चुका है मार्वल का मेरा सेकंड फेवरेट टीवी शो, फर्स्ट तो लोकी ही है। और भाई इसका नाम भी आ चुका है उन शोज के अंदर जो शोज में बार बार देख सकता हूँ। इस शो से मैंने जो उम्मीद लगाई थी मुझको उससे बहुत ज्यादा मिला है। मैं इस शो से कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ, सिवाय कुछ नकली खराब CGI के। और भाई बताने वाली बात नहीं है कि इस शो का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, भाई ऑस्कर आइज़ैक, भाई उन्होंने दिल जीत लिया मेरा, उनकी एक्टिंग सुपर्ब। भाई एक ही सीन में पहले वो बात करते हैं मार्क बन के, फिर वो बात करते हैं स्टीवन बन के, भाई कैसे कर लेते हैं वो। भाई मेरा ये बोलना है कि ऑस्कर डिजर्व्स ऑस्कर। और भाई सर इथन हॉक का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त था, उन्होंने इस रोल को फुल टू फुल जस्टिस दिया है। उनके चेहरे पे वो सीरियसनेस, वो इविलनेस साफ साफ दिखती है हर एक सीन में। और भाई मेक कैलेमावी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, उनका रोल एज लाइला बहुत अच्छा था। और भाई ऑस्कर आइज़ैक और सर इथन हॉक के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करना आसान काम नहीं है, मगर भाई फिर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करा है। तो इन शॉर्ट मुझको 6th एपिसोड और ये पूरी सीरीज मून नाइट की बहुत बहुत पसंद आई। अगर मेरा मन करा तो मैं इसको एक बार बैठ के फिर देख लूंगा। खैर अगर आपने देखा तो कैसा लगा मुझको बताना कमेंट्स में, और इस पूरी सीरीज को लेके आपके क्या थॉट्स हैं वो भी लिखना कमेंट्स में। और एक बार जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और जो बटन है लाल लाल सा उसको दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा दो। और भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का, उन्हें भी जाके फॉलो कर देना। और भाई सुबह एक वीडियो आई है जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। तो अगर नहीं देखी है वीडियो तो पता रही होगी, जाकर देख लेना। और इसी के साथ देखते रहिए मूवीवर्स।